सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में रिपेयर किया, इसके बेस ट्रेबल वॉल्यूम से लेकर सारी चीज़ों का वायरिंग करना सीखा। लेकिन गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी 4440 एम्पलीफायर बोर्ड में बेस ट्रेबल के साथ में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करने बताऊँगा। तो आइए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ब्लूटूथ मॉड्यूल को किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, बहुत। जैसे कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि वायरिंग्स एक्चुअल में करते कैसे हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल को, कोई सा भी ब्लूटूथ मॉड्यूल हो, उसको पावर सप्लाई देना होता है, 5 वोल्ट का देना होगा। ये देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट हमें इनपुट पावर सप्लाई देना होगा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को। और 5 वोल्ट जो है कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई इनपुट जाएगा डीसी का, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर। ये इनपुट लेगा 7 से 12 वोल्ट 15 वोल्ट, लेकिन कॉन्स्टेंट में आउटपुट देगा 5 वोल्ट का। इसका वायरिंग अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख करके सीख सकते हो। यहां से 5 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें चला जाएगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल में हमारा ऑडियो आउटपुट जाएगा। ऑडियो आउटपुट जो कि यह ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा रिसीव करेगा मोबाइल फ़ोन से, या तो फिर आप पेन ड्राइव लगाएंगे, वो ऑडियो यहां से आउटपुट देगा। उसके लिए आउटपुट में यहां पे देखिए, एक लेफ्ट का आउटपुट देगा, एक राइट का और एक ग्राउंड का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक साइड में यहाँ पे लेफ्ट का, बीच वाला ग्राउंड, ये राइट का। उसके बाद ये जो वायर है ये है एंटीने का। जैसे अगर आपको एफएम चलाना है तो ये एंटीना का वायर होता है, ये एंटी, तो ये एंटीना का वायर खुला रहेगा। बस इसमें पावर सप्लाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट का। और 3 जो ऑडियो आउटपुट जाएगा वो हमें कनेक्ट करना होता है किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में। जैसे कि अगर इस एम्पलीफायर बोर्ड का इनपुट का मैं बात करूं, तो ये ऑक्स केबल वाला वायर है, जहाँ पे ये तीनों वायर लगा हुआ है, ग्राउंड, लेफ्ट, राइट, वहीं पे हमें इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के तीनों वायर को कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड, लेफ्ट और राइट का। बाकी मैं आगे बताता हूँ, पहले मैं इन तीनों वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ऑडियो इनपुट वाले वायर को इस एम्पलीफायर बोर्ड में। ये ऑक्स केबल यहाँ से खुल के साइड हो जाएगा और ग्राउंड वाला मेरा ग्रीन है, तो ग्राउंड वाले को मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। और गाइज, इसकी वायरिंग मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जा करके देख करके सीख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड का, और एक लेफ्ट या तो फिर राइट वाले को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरा जो वायर है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और बस ऑडियो का जो वायर है इस एम्पलीफायर बोर्ड में, वो हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें हमें पावर सप्लाई देना है, तो पावर सप्लाई गाइज यहाँ पर मैं बताता हूँ, 5 वोल्ट डायरेक्ट आप किसी चार्जर से भी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आप दे सकते हो, लेकिन इस एम्पलीफायर बोर्ड में मेरा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आ रहा होता है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि उस 12 वाले वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा या वोल्टेज रेगुलेटर, इसीलिए मैं इसको लगा देता हूँ। देखो, थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूँ कि इस वोल्टेज रेगुलेटर में पहले वाला पिन इनपुट होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, और जो तीसरा वाला पिन है ये आउटपुट होता है। तो ये 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि इसी कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट सोलर कर देता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई भी 7805 का इस एम्पलीफायर बोर्ड में नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स में 7805 के लिए जगह रहता है बना हुआ, या तो फिर लगा हुआ भी रहता है उस एम्पलीफायर बोर्ड में। इसमें नहीं दिया हुआ है तो मैंने खुद से लगा दिया, और बस इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया, ऑडियो के लिए तीनों वायर ऑडियो में इनपुट दे दिया, और पावर सप्लाई के लिए प्रबंध कर दिया मैंने 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर से। बाकी वॉल्यूम बेस ट्रेबल का वायरिंग सेम का सेम रहेगा हमारा। और अब चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ इसके ऑडियो क्वालिटी को। मैं ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई दे देता हूँ। अभिषेक ने सबसे पहले तैरना सीखा, घंटों नदी में रहने की आदत से उसे माँ की डांट भी पड़ती थी, फिर उसने नाव चलाना सीख लिया। इसके बाद माँ और अपनी बहनों के साथ वो रोटियों को जोड़ने लगा। वेडिंग सीजन Now.
तो गाइज कुछ इस तरह से आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड में वायरिंग करके बजा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइज, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगा कि इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड के बेस ट्रेबल को यूज़ करके हम किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज इसका जो केवल बेस और ट्रेबल या तो फिर आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के बेस और ट्रेबल को यूज करके अब किसी दूसरे एम्पलीफायर बोर्ड में यूज कर सकते हो, तो वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन योर ग्रेट यूट्यूब चैनल।